नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के श्रद्धांजलि समारोह में सोमवार को भुरकुंडा पहुंचे उनके पुत्र आरसीएमएस के केंद्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि झारखंड में उनके पिता का सम्मान हर वर्ग ने किया और उनके किए गए कार्यों को सदैव याद किए जाएंगे। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के श्रद्धांजलि समारोह में उनके व्यक्तित्व को लोगों ने याद किया और कहा कि उनकी यादें आज भी जिंदा है। आगे उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के याद में श्रद्धांजलि समारोह मनाया जा रहा है और वे मेरे ही पिता नहीं थे, अन्य लोगों के लिए भी पिता तुल्य थे, इसीलिए उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने पूछने पर बताया खड़ा रहा है और आज भी पार्टी के साथ है। केंद्र सरकार पर निराशा साधते हुए अनूप सिंह ने कहा कि मोदी सरकार सारे सरकारी उद्योगों का निजीकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मजदूरों के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है और उन लोगों को मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। सरकारी उद्योगों को निजीकरण कर मजदूरों का भविष्य अंधकार में डालने का प्रयास कर रही है। निजीकरण करने की वजह से नई नौकरियाँ तो नहीं ही होगी, साथ ही पुरानी नौकरियाँ भी चली जाएंगी। राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु के बाद बेरमो विधानसभा सीट के लिए अनूप सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी उसे वह सहर्ष स्वीकार करेंगे। इंटक के बरका सयाल के एरिया सचिव शिव शंकर पांडे ने सभा की अध्यक्षता की। श्रद्धांजलि सभा के दौरान इंटक और कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। आज इनके पास वो विजन नहीं है कि विस्थापितों को नया नौकरी करके नया खदान चालू करा के नए लोगों को रोजगार दे सके। ये जानते हैं कि हमारे पास पैसा है नहीं, इसीलिए ये कोल इंडिया की संपत्ति को बेच के हिंदुस्तान को ये दिखाना चाहती है कि बहुत ज़्यादा पैसा कोयला उद्योग में प्राइवेट ओनर्स से आ रहा है। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, 18 अगस्त को फिर से हम लोग बंदी रखे हैं, एक दिन दिवसीय हड़ताल रखे हैं और 18 अगस्त तक वर्क टू रूल हम लोग करेंगे और कोल इंडिया को जो निजीकरण किया जा रहा है उसमें मोदी सरकार जी को झुकना पड़ेगा कोल इंडिया के ताकत के साथ। क्या यह साजिश है? इन लोग ने कोरोना का भय के आड़ में मजदूरों अपना आवाज़ नहीं उठा पाए, इसीलिए लॉकडाउन के बीच में इन लोग ने कोल इंडिया का निजीकरण का फैसला लिया है। और मैं समझता हूँ कि जनता इसका जवाब देगी। आप निश्चित तौर पर देखते जाइए, अगर मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं ये गलत फैसला ले लिया, और मुझे लगता है कि अभी तक तो वो ऐसा ही लग रहा है कि वो मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, इसलिए वो लेंगे। अगर उन्होंने ले लिया तो निश्चित तौर पर जो रेलवे का निजीकरण हो रहा है, जो कोयला उद्योग का निजीकरण हो रहा है, एक ना एक दिन आएगा कि जनता इसको जवाब देगी। देखिए, सबसे अहम बात कि रेलवे सबसे बड़ा यूनियन फेडरेशन है। कारण क्या है बार बार आंदोलन उतरना पड़ता है मजदूरों को? कारण ये है कि सरकार आती है, सरकार पूर्व में कोल इंडिया की संख्या पर बहुत ज़्यादा थी, उस टाइम सरकार समझती थी कि क्या परिवार कोल इंडिया का बना है। आज भी 10 लाख लोग कोल इंडिया के ऊपर आश्रित हैं, 4 लाख लोग का एम्प्लॉयमेंट है कोल इंडिया पे, बहुत रिटायरमेंट के बाद भी अपना ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड का पैसा लगा के अपने बेटे को हाईवा ट्रक और कोयला ट्रेड में डाल देते हैं। ये सब चीज़ को मजदूरों को देखने वाला सरकार को हम लोग ने नहीं चुना है। आज के समय में सरकार बस एक ही आदमी का सरकार है, वो है नरेंद्र मोदी जी का। अगर सरकार ऊपर से लेके नीचे तक राय मशवरा से चलती तो मेरे को लगता है कि मजदूरों का हड़ताल करने का नौबत नहीं आता। और इस संबंध में खासतौर से हेमंत सोरेन जी को हम लोग धन्यवाद देंगे कि उन्होंने